सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में वन विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी अपने ही पैसों के लिए वन विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। विभाग से पैसे न मिलने के कारण कोरोना काल में सब्जी के ठेले लगाकर परिवार का भरण पोषण करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनके ही विभाग के अधिकारियों को उनकी कोई सुध नहीं है। एक दिन के दौरे पर आए CCF से कर्मचारियों ने मुलाकात कर DFO अमित निकम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सही समय पर बेटी की शादी के लिए ओम प्रकाश सांडिल्य को रिटायर का पैसा मिल जाता तो उसकी मौत नहीं होती। बेटी की शादी के लिए विभाग के चक्कर काट काट कर परेशान हो गए और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। उसके बाद उनके बेटे पर मकान खाली कराने का दबाव भी बनाया जा रहा है। वहीं रिटायर कटारे बाबू का कहना है उनको धमकी दी जा रही है कि पेंशन के मामले को शांत कर दे, अन्यथा देवरी घड़ियाल केंद्र पर कार्य कर रहे उनके लड़के का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। करीब 30 कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण कर्मचारी आत्महत्या करने को मजबूर है। इस मौके पर राम निवास डंडोतिया, राजेंद्र कटारे, सुखदेव अरोरा, कृष्ण मुरारी शर्मा, रामहित जाटव सहित कई लोग शामिल थे। पूरे मामले में CCF ने कहा कि कर्मचारियों की परेशानी का जल्द ही निराकरण किया जाएगा। 30 जून 2020 को रिटायर हो गया, एक साल लगभग होने को आई। मैं DFO साहब से 1 से 5 बार मिला कार्यालय में, CCF साहब को भी मैंने फोन किया 2-3 बार और ऑफिस में भी चक्कर लगाता रहा, पर आज तक पेंशन कार्यालय में मेरा प्रकरण नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा जा रहा है, क्या कारण बता रहे हैं? कारण तो ये है कि हम भेज देंगे, यही होता है। कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो परेशान हैं? ऐसे कर्मचारी 25 है लगभग, सब ऐसे ही चक्कर लगा ऐसे ही चक्कर लगा रहे हैं। किसी का कुछ। कितने साल हो गए आपको रिटायरमेंट हुए और कर्मचारी? 1 वर्ष मुझे हो गया, सबसे लास्ट में मई तक उसमें 12 महीने के मैं आ रहा हूँ, वो 5-7 महीने के मैं, कुछ 2-3 महीने के मैं, कुछ 6 के मैं, कुछ 8 महीने के मैं। सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई कुछ नहीं। घर कैसे चल रहा है? घर तो मैंने ये कोरोना काल में 4 महीने सब्जी का ठेला लगाया। आपने ये बात DFO साहब से कही थी? हाँ, अभी कही है, CCF साहब के कही है कि मैं कोरोना काल में ठेला लगा रहा हूँ। साहब आपने भी फ़ोन किया इनको 2 बार में, पर ये कभी मेरे प्रकरण को पेंशन कार्यालय नहीं भेजे। इससे पहले DFO से आपने ये बात कही थी? हाँ, DFO साहब से कही। क्या कहा था? ये तो जो कहते हैं मजबूर हो के, जो तुम मर जाते तेरे बच्चों को पेंशन दे देंगे, हम सारा पैसा इकट्ठा तेरे बच्चों को पहुँच जाएगा, तू मर जा। बच्चों को कब दे देंगे? मर जाएगा तो हम प्रकरण को तेरे घर भेज देंगे पैसे। जहाँ भी जैसी समस्या है उसका पूरा समाधान कर देंगे। मतलब मैं तो खुद ही नहीं चाहता कि रिटायर कर्मचारी को कोई शिकायत मिले, क्योंकि एक दिन हम भी रिटायर हो जाएंगे, फिर हम भी धक्के खाएंगे। तो मैं तो अपने स्टाफ को देंगे, भाई अपने को उसके जूते में फिट करके देखो, एक दिन तुम भी उसी स्टेज से गुजरोगे। वो एक मानवीय दृष्टिकोण रखे, पेंशन के प्रकरण तैयार करके भेज दो, तो इनका तो जल्दी से जल्दी हम सबका निपटारा करा देंगे।